जो विश्वास इस देश ने नरेंद्र मोदी के अंदर दिखाया, वही विश्वास हरियाणा की सरकार के अंदर ये जनता दिखाए। यदि विरोधी दलों के लोग भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इसमें हमारे कार्यकर्ता को कोई भी किसी प्रकार की समस्या नहीं है। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है, मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हरियाणा बीजेपी चुनाव प्रबंधन प्रकोष्ठ के जो चेयरमैन है हमारे साथ मौजूद है विशाल सेठ जी। सेठ जी, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद जी। विशाल जी, जिस प्रकार से अमित शाह जी आ रहे हैं, कुरुक्षेत्र का कार्यक्रम रखा गया है, लेकिन अब ये भी सूचना आ रही है कि ये कार्यक्रम पंचकुला शिफ्ट किया जा सकता है, इसके बारे में क्या आधिकारिक जानकारी आपके पास है? मेरे पास अभी आधिकारिक रूप से जानकारी नहीं आई है, आने वाली होगी या मेरे व्हाट्सएप में आ गई होगी। मैं सुबह आपके पास आ गया था तो इसकी पुष्टि अभी 5-10 मिनट में हो जाएगी। तो अमित शाह जी का हरियाणा दौरा और चुनाव प्रबंधन को लेकर जिस प्रकार से रणनीति बीजेपी बनाने में लगी हुई है, कांग्रेस का जो 5 सीटें मिलने के बाद ग्राफ बढ़ा है, उस किले को कांग्रेस के तोड़ने की कोशिश? देखिए, कांग्रेस जनता को थोड़ा बहुत बरगला करके और कुछ हमारे यहाँ पर उस दिन मौसम की गर्मी के कारण जिससे थोड़ी शहरी वोट थोड़ी कम पड़ी, और कुछ अधिकारियों ने भी थोड़ा अच्छा ठीक नहीं किया, उनको किसी एक पक्ष के साथ लग कर के किसी पार्टी का साथ नहीं देना चाहिए था, कुछ अधिकारी हैं थोड़े बहुत, और ये सब बातें कुल मिलाकर के सभी ध्यान में आई हैं। और जो चाहे वो भाजपा का, मतलब सरकारी अधिकारी को ना भाजपा का साथ देना चाहिए, ना कांग्रेस का, ना आम आदमी, ना किसी दल का, उसको तो अपने ड्यूटी का निर्वहन करना है, उसको अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, और उसके अंदर कुछ लोगों ने जो कोताही की वो भी एक बहुत बड़ा कारण था। अच्छा, अब इस चुनाव के बाद एक बात तो स्पष्ट रूप से सामने आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी जो हम 5 सीटें जीते, उसमें 3 सीटें हम बहुत थिन मार्जिन से जीते हैं, और वो कुछ मौसम की वजह से भी हुआ। तो यदि देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा के अंदर आधार, वो एक बहुत मजबूत आधार है और कार्यकर्ता पूरे उल्लास में हैं। 23 जून को अभी रोहतक के अंदर हमारी हमारा एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें हमारे प्रदेश के चुनाव प्रभारी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी और सह प्रभारी श्री विप्लव देव जी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नायब सिंह सैनी जी और तमाम नेता, सभी हमारे प्रांत स्तर के बड़े नेता सब वहाँ उपस्थित थे। वहाँ पर बहुत अच्छी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित हुए थे, कार्यकर्ताओं में जो उल्लास था वो देखते ही बनता था। और एक बात बताइए, जो आप अभी कह रहे थे अधिकारी वर्ग अगर बीजेपी के 9.5 साल शासन के बाद भी कहीं ना कहीं बीजेपी को सेंध मारने की कोशिश करता है, उनके बारे में पिछले दिनों मुख्यमंत्री व पूर्व मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि आचार संहिता के बाद कदम उठाए जाएंगे, तो इस पर बीजेपी क्या मंथन कर रही है, क्या सोच रही है? देखिए, जिन थोड़े से अधिकारी हैं किंतु वो अहम भूमिकाओं में थे, तो उनके ऊपर उनकी रिपोर्ट भी गई है, ऊपर जल्दी उनके ऊपर एक्शन भी होगा, कुछ अधिकारियों पर हो भी चुका है, अपने 10-15 अधिकारियों के ऊपर तो एक्शन हो भी चुका है। तो विधानसभा चुनावों में क्या उम्मीद करते हैं आप, चुनाव प्रबंधन से जुड़े हुए प्रकोष्ठ के चेयरमैन है पूरी स्टेट के, बीजेपी कैसे कम बैक करेगी? देखिए, बीजेपी ने 4 जून को हमारे परिणाम आए, 4 जून के बाद अगले ही दिन 5 तारीख को हम लोगों ने बूथ स्तर के ऊपर बूथ मैनेजमेंट का काम आरंभ कर दिया। हमारे सभी जिलाध्यक्ष, सभी मंडल अध्यक्ष, सभी शक्ति केंद्रों पर जा रहे हैं, और हमारा एक संगठन की बनावट इस प्रकार से, 4 से 5 बूथों के ऊपर एक शक्ति केंद्र होता है, उस शक्ति केंद्रों की बैठकें जिलाध्यक्षों द्वारा ली जा रही हैं, और नीचे बूथों के अंदर जो हमारे इस लोकसभा चुनाव में भी कई नए कार्यकर्ता भी हमारे साथ जुड़ते हैं, उन लोगों को भी हम अपनी टीम के अंदर ले रहे हैं, उनके भी उपयोग इस आने वाले विधानसभा चुनाव में होगा। और एक बूथ मैनेजमेंट को बिल्कुल चाक चौबंद तरीके से हम इस जुलाई 15 तक उसको पूरा एकदम पूर्ण कर लेंगे, और हमारा 29 तारीख को अमित शाह जी हरियाणा प्रदेश के अंदर आ रहे हैं, और इस चुनाव की रणनीति कैसे बनेगी और किस दिशा में हमें चलना है, किस प्रकार से हमें जनता तक अपने किए हुए कामों को पहुँचाना है, किस प्रकार से यदि किसी का कोई मन में संदेह है तो उसको किस प्रकार से उसको दूर करना है, और जो विश्वास इस देश ने नरेंद्र मोदी के अंदर दिखाया, वही विश्वास हरियाणा की सरकार के अंदर ये जनता दिखाए, इस प्रकार की रणनीति माननीय अमित शाह जी हम लोगों के साथ बैठ करके उसको बताएंगे, और हमारे को
आगे काम करने की दिशा देंगे। सेठ जी, एक चीज़ बताइए कि जैसे किरण चौधरी जैसे नेता जब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो क्या बीजेपी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं, बीजेपी से जुड़े हुए पुराने साथी हैं, उनका मनोबल डाउन नहीं होता? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब एक बहुत बड़ा समुद्र है। इसके अंदर देश सेवा के लिए यदि कोई भी हमारे साथ आना चाहता है तो हमारे कार्यकर्ताओं का दिल भी बहुत बड़ा है, सबके लिए स्थान है। पुराने कार्यकर्ताओं का को भी हम साथ रखेंगे, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान में कोई कमी नहीं होगी। जो आए हैं उनके भी मान सम्मान में कमी ना करके सब कंधे के साथ कंधा मिला करके इस देश को प्रगति के पथ पर चलाने का जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया है उसके अंदर निष्ठा रखते हुए यदि विरोधी दलों के लोग भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इसमें हमारे कार्यकर्ता को कोई भी किसी प्रकार की समस्या नहीं है। धन्यवाद। तो ये है विशाल सेठ, बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि अमित शाह जी के मार्गदर्शन में बीजेपी हरियाणा में विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार करेगी और वह रणनीति हरियाणा में इम्प्लीमेंट होने के बाद कांग्रेस जो 5 सीटें लेकर लोकसभा में बराबरी कर रही है वो पिछड़ती हुई नजर आएगी और हरियाणा में बीजेपी अपने दम पर एक बार फिर से तीसरी बार सत्ता पर काबिज होगी। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।